हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बथुआ की साग की रेसिपी, यानी बथुआ भाजी रेसिपी। ये सर्दियों में बहुत आती है फ्रेंड्स, और इसको खाना बहुत ही हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं। चलिए, इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो हमने एक गड्डी बथुआ की भाजी ली है फ्रेंड्स, इसको हमने धो के और इसको डंठल तोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। कढ़ाई को रखेंगे गैस पर गर्म होने के लिए, और फ्रेंड्स ये भाजी हमने कट कर दी है इस प्रकार से। कढ़ाई में एक छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। 7 से 8 लहसुन की कली लेंगे, ऑयल के अंदर डालेंगे। 5 से 6 छोटे साइज की लाल मिर्च ली है सूखी वाली, वो भी डालेंगे। लहसुन को ब्राउन होने तक भूनेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लहसुन और मिर्च का ब्राउन कलर हो गया है, इनको निकाल लेते हैं। अब बची हुई ऑयल में एक बड़े प्याज को हमने कट करके लिया था बड़े टुकड़ों में, उसको डालेंगे। 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 कटा हुआ आलू डालेंगे। अब फ्रेंड्स, दोनों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आलू और प्याज हमारी फ्राई हो रहे हैं, तब तक हमें ये मिर्ची और लहसुन को जो हमने फ्राई करके लिया है उनको खलर में डाल के हम अच्छे से कूट लेंगे। इसका हमें चटनी जैसा पेस्ट बनाना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, ऐसा ही हमको रखना है दरदरा सा। तो फ्रेंड्स, आलू प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो चलाते हुए मसाले को थोड़ा भून लेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो भाजी कट करके रखी थी वो डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। तो भाजी को 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत हेल्दी होती है भाजी, ज़रूर खाएं इसको सर्दी में, सर्दियों में ये आती है। तो फ्रेंड्स, भाजी को पकते 2 से 3 मिनट हो गए, और जो मसाला हमने पीस के रखा था लहसुन मिर्च का, वो भी डाल देते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है फ्रेंड्स भाजी में, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिला लेंगे अच्छे से और 1 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। सब्जी हमारी लगभग बन के तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बथुआ साग बनके तैयार है। आप इसको सर्व करें गर्म गर्म रोटियों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।